हेलो एवरीवन, आई एम एडवोकेट राबिया अमजद। इमरान खान पे 180 से ज्यादा केसेस हुए, लेकिन वो हर केसेस में पेश हुए, हर केसेस और उनको टैकल किया, लेकिन फिर भी उन्हें तोशाखाना केस में पकड़ लिया गया। जिसके बाद इमरान खान की बड़ी बहन बहुत ज्यादा फिक्रमंद है इमरान खान की सेहत को लेके, इमरान खान को लेके इमरान की एक्स वाइफ जमायमा ने भी कुछ कमेंट दिए हैं, आपको बताएंगे। और साथ ही साथ उनके बेटे अपने फादर के लिए क्या एफर्ट्स कर रहे हैं लंदन में, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। पहले स्टार्ट करते हैं लतीफ खोसा की कन्वर्सेशन से। फिर उन्होंने बताया है कि इलेक्शन होने हैं या नहीं होने, हुकूमत की क्या प्लान्स हैं, सब कुछ आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली हर न्यूज, लीगल केसेस और सबकी डिटेल्स आपके साथ शेयर हो सके। हमारी मेहनत लगती है, इसलिए प्लीज लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और सुनते हैं लतीफ खोसा का क्या कहना है। अल्लाह ताला ने ये पांच चीजें अपने हाथ में रखी, जिंदगी, मौत, इज्जत, जिल्लत, रिस्क। अगर ये इंसानों का आदमी होता दूसरे को सब पनाह कर देते, तो ये अल्लाह के हाथ में होती है। किसी के जो है बुरा चाहने से कोई ये खत्म नहीं हो जाता है, और किसी की ख्वाहिशात से जो है वो बादशाह सलामत नहीं बन जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि हम अपना इख्तदार की जंग में इतना जो है आगे निकल गए हैं कि हमने बिल्कुल जमहूर को, आवाम को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया। अब पेट्रोल बम जो है सुनामी गिराया जाता है, इतनी महंगाई गई है, ये जाती मरतबा एक और तोहफा शहबाज शरीफ का PDM की हुकूमत का माशाल्लाह आवाम पर एक और मुसल्लत हो रहा है। और प्राइम मिनिस्टर साहब फरमा रहे हैं कि अभी तो सेंसस जो है वो होना है, और सेंसस का जो है फिर इलेक्शन कमीशन ने तारीख देनी है, और इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि जी इसमें 6 महीने और लगेंगे। तो मैंने तो कहा कि इनकी नीयत कोई नहीं है इलेक्शन में इलेक्शन करवाने। शायद 2-4 दिन पहले जो इनकी एक बन रही है, शायद उससे पहले जो है तहलील हो जाए। इमरान खान के लॉयर बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान के केसेस सॉर्ट आउट हो, लेकिन इमरान खान पे केसेस बढ़ते जा रहे हैं और अब उनके लॉयर्स पे भी FIR कटने लगी है। आप देख सकते हैं इमरान खान बेफिक्र होकर सब्जी के साथ रोटी खाते हैं, और वहीं पे वो लेट के सो गए और नमाज भी पढ़ते हैं, जिसकी काफी ज्यादा पिक्चर्स वायरल हुई हैं। अब आपको वो सीन दिखाते हैं कि जिस तरीके से इमरान खान को लेके गए, ये है इमरान खान को गिरफ्तार करने का मंजर जब उन्हें जमान पार से गिरफ्तार करके लेके जाया गया। इस तरह से आपको लग रहा होगा जैसे बहुत बड़े मुजरिम को लेके जा रहे हूँ। इमरान खान की बड़ी बहन बहुत परेशान है इमरान खान को लेके, उनकी सेहत को लेके, और उन्होंने एक बयान भी दिया है। उनका कहना है कि मुल्क में जब तक इंसाफ नहीं होगा तब तक क्या होगा, और इस वजह से बहुत परेशान है। उनका क्या कहना है ये आपको सुनवाते हैं। इमरान खान की खातिर उनकी बहन सड़कों पे निकल आई, और उन्होंने कहा अब इस चीज पे बोलना चाहिए, क्योंकि हम जब से चुप हैं मुल्क के हालात और खराब हो गए हैं। उनका क्या कहना है ये आपको सुनवाते हैं। लेकिन पाकिस्तान के लोगों को अगर अभी भी नहीं निकलेंगे ना, इसी तरह जुल्म सहेंगे बाकी जिंदगी, कोई इनको बचाने वाला नहीं आएगा। खान साहब इनके ये बोल रहे हैं, गाड़े गरीबों के लिए, मस्किनों के लिए, और इन्होंने किसी को भी नहीं छोड़ा। हर इदारे ने खान साहब के साथ जुल्म किया, और इसका इंशाल्लाह अल्लाह ताला तो देख रहे, और अल्लाह इनसे बड़ा बुरा बदला देगा। अब आपको सुनाते हैं कि इमरान खान की एक्स वाइफ जमायमा मलिक का क्या कहना है। उन्होंने भी इमरान खान की साइड में लिखा है कि आफ्टर 22 ईयर of hard work when Imran Khan was working day and night for his country away from his children, it is a shame to put him in a jail. बात की जाए इमरान खान के बेटों की, तो वो भी लंदन में प्रोटेस्ट कर रहे हैं इमरान खान की साइड में, इमरान खान के हक में। सिद्ध के मजीद मालूमात के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई YouTube चैनल। थैंक यू।